रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नाज़रीन जो थोड़ी देर टीवी के सामने बैठे हैं उनके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएँ यकीन जो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम साबित हों। हमेशा आप जानते हैं जो भी हमारी टीम टॉपिक सेलेक्ट करती है वो यकीन लगता है कि वाकई ये चीज़ें हमें नहीं पता थी या इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये हमेशा क्रेडिट मैं हमारे सच सवेरा की टीम को देती हूँ, हमारे पूरे पैनल को देती हूँ, सच टीवी के मैनेजमेंट को देती हूँ कि माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त चीज़ों का इंतखाब किया जाता है। जल्दी से आज के टॉपिक की जानिब आती हूँ ताकि आज भी हम जो इतना अहम टॉपिक लेकर आए हैं उस पर मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूँ। ना आज बात की जाएगी, हम अक्सर बात करते हैं कौमी हीरोज़ की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हर वो फ़र्द हीरो है जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, हर वो फ़र्द हीरो है जो जिसमें अखलाकियात हैं। यकीनन हम इस वक्त अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूं देखूं तो कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर है, ताकत है, पैसा है, हम उसको हीरो बना देते हैं। देखा जाए तो हमारी ये जो पाक सरज़मीन है, हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान है, ये हमारे कौमी हीरो से भरा पड़ा है और जिन्हें हमें प्रमोट करने की, अप्रिशिएट करने की, जिन्हें उजागर करने की, सामने लाने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जो असली हमारे हीरो हैं, जो वाकई ही कौमी हीरो कहलाने के लायक हैं, उन्हें हम कहीं साइड पे रख देते हैं और जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, बड़ी गाड़ी से जो उतरते हैं, उन्हें हम कौमी हीरोज़ का जो है वो दर्जा दे देते हैं। आज कुछ ऐसी ही बात होगी उन कौमी हीरोज़ के हवाले से जिन्होंने अपनी जान जोखम में डाल के इस मुल्क पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन किया। नाज़रीन अगर मैं ज़िंदगी की बात करूँ, जान की बात करूँ, किसको नहीं प्यारी? यकीनन हर कोई जीना चाहता है, ज़िंदा रहना चाहता है। अगर किसी को बोले कि तुमने वहाँ कुएं में छलांग लगानी, कोई नहीं मानेगा, लेकिन सिर्फ वही सामने आएगा जिसमें ये जज्बा होगा कुछ कर गुजरने का, जो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता होगा, अपने परचम को सरबुलंद करना चाहता होगा, डेफिनेटली वही जो है ये कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। तो आज जो हमारे पैनल, जो हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, असली मायनों में इन्हें हम हीरो कह सकते हैं कि किस तरह से ये आज जो जिन खासकर हम चीज़ों को गुफ्तगू का हिस्सा बनाने जा रहे हैं वो वाकई ख़तरनाक है। हम नॉर्मल टम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कितने ज़्यादा माइनस जहाँ पे टम्परेचर होता है, यहाँ जहाँ पे सांस लेना इवन मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे आप ज़्यादा देर, अगर हम जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हो सकता है ज़्यादा देर हम वहाँ पे सर्वाइव ना कर सकें, यानी ज़िंदा ना रह सकें। ये लोग उस चोटी तक जाते हुए, यानी मैं बात कर रही हूँ कोप एमआई की, कि उन बुलंद तरीन चोटियों को सर करते हुए पाकिस्तान के परचम को उन्होंने बुलंद किया। यकीनन इस शौक़ की बात करते हैं, लेकिन कुछ शौक़ बहुत महंगे होते हैं। जान के हवाले से बात की जाए तो भी बहुत महंगे होते हैं, अगर फाइनेंशली देखा जाए तो भी बहुत महंगे होते हैं। तो कोप एमआई की जब हम बात करते हैं तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान और नेपाल दो ऐसे ममालिक आते हैं जहाँ बुलंद तरीन चोटियाँ जो है वो हमें मिलती हैं, लेकिन ऐसे हीरोज़ जो इन बुलंद तरीन चोटियों तक पहुँचते हैं, अपने मुल्क का परचम जो है वो लहराते हैं, किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या सोचते हैं, ये शौक़ उनके अंदर कैसे पैदा होता है? क्योंकि देखिए हीरो बनना सबकी बस की बात नहीं है, ये शर्फ भी किसी किसी को हासिल होता है। तो आज जिन लोगों को ये शर्फ हासिल है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम जानेंगे। कोप एमआई के साथ जो हम दूसरी जो हम बात करेंगे बॉक्सिंग की, अक्सर हम टीवी में देखते हैं और कि नहीं ये तो मजाक चल रहा है या ये पहले से फिक्स होता है कि तुमने मुझे इतना मारना है और ये इस मार के कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता या फील नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हम इस ख़तरनाक खेल पे भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे नेशनल चैम्पियन जो हैं बॉक्सिंग के वो मौजूद हैं। ये शौक़ भी कोई आम या सादा शौक़ इसको नहीं कह सकते, ये भी शौक़ है जिसमें आप ज़िंदगी की बाजी हार भी सकते हैं, और यही वो शौक़ है जिसमें आप जीत करना सिर्फ अपना नाम बुलंद कर सकते हैं, अपना असर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं, बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन करते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों पे हम जानेंगे, इन बहुत कुछ जो है वो सीखेंगे कि इस अगर इस फील्ड में आना हो, स्पेशली वो हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं जिन्हें कोप एमआई का शौक़ है, जिन्हें बॉक्सिंग का शौक़ है, टूरिज़म का शौक़ रखते हैं, उनके लिए आज बहुत कुछ इस प्रोग्राम में उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। यानी खासकर वो पॉइंट्स, वो चीज़ें जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम कोप एमआई के लिए जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, बॉक्सिंग फील्ड में जा रहे हैं
तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, या वैसे हम अगर टूरिज्म की जानिब जा रहे हैं, हमें घूमने फिरने का सैर व तफरी का शौक़ है, तो इस बारे में भी हमारे साथ मौजूद है हमें बताने के लिए कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जल्दी से मेहमानों की जानिब बढ़ती हूँ नाज़रीन, उनका तारुफ करवाती हूँ, ताकि मुझे तो बहुत आज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक ऐसी दो फील्ड्स हमें हमारे सामने है जो कि ख़तरनाक है लेकिन बहुत खूबसूरत भी हैं, तो हमें बहुत कुछ जो है वो जानने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, आज के पहले मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, टूरिस्ट की मैंने बात की, तो डिफरेंट अदारों से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं, टूरिस्ट को गाइड करते हैं, यकीनन ये होना चाहिए और ये भी एक खिदमत खल्क है। अगर मैं बात करूँ, मुझे किसी एरिया में जाने, गिलगित बल्तिस्तान की बात करूँ, जब तक मुझे उस एरिया का नॉलेज नहीं होगा, जो उसके टूरिस्ट पॉइंट है मुझे आइडिया नहीं होगा, तो मैं यकीनन कभी भी उसको विज़िट नहीं कर सकूँगी। तो ऐसे लोगों को क्रेडिट जाता है। हमारे साथ हैं अयाज शिगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब, थैंक यू, कैसे हैं आप? फाइन, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा है, जैसे मैंने कोपरमाई की बात की, तो यकीनन सोच के ही बहुत कुछ आप इमेजिन कर लेते हैं कि ये अच्छा भी लगता होगा लेकिन कितना ख़तरनाक हो सकता है, कि इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी के अंदर या इतनी हाइट पे जाना कैसे पॉसिबल। तो ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं जी नेशनल कोपरमा आबिद सतपारा साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद, वालेकुम कैसे सलाम। आप? मैं ठीक ठाक बहुत हूँ, शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ हमारे अगले मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बॉक्सिंग की बात की, जो कि यकीनन ये भी एक ख़तरनाक गेम है, नेशनल बॉक्सर चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं जी, मोहम्मद शुएब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फ़खर शुक्रिया है वक्त मेरे देने से। का, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच तीनों मेहमानों का। हमें थैंक आज यू। आप लोगों ने ज्वाइन किया, नाज़रीन यकीनन आप लोग भी एक्साइटेड होंगे आज ये जानने के बारे मामले में कि किस तरह से एक ओपनवाई की जा सकती है, किस तरह से बॉक्सिंग में शामिल हुआ जा सकता है, या और कोई सवाल आपके माइंड में हो जो आप पूछना चाहते हो, करना चाहते हो। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ ओवरसीज़ की, तो डेफिनेटली आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब ओपनवाई की बात करते हैं या बॉक्सिंग की बात करते हैं तो ओवरसीज़ तो इसमें शामिल है यकीनन, तो आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मेहमानों से बात करना चाहें तो भी लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। जी अय्याज शिगरी साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ की बात करें, और माशाल्लाह हमारे साथ कौमी हीरोज़ मौजूद हैं, किस तरह देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में अगर कौमी हीरोज़ की बात की जाए, बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, लेकिन उन्हें उस तरह से उजागर नहीं किया जा रहा या सामने नहीं लाया जा रहा। मैं चाहती हूँ हमारे इधर कौमी हीरोज़ के हवाले से आप जनरल सी बात जो है वो बताएं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे फिर हम चलेंगे। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। और आपने बात की हीरोज़ की, अल्लाह के फजल से हमारी इस सरजमीन है पाकिस्तान में हीरो की कमी नहीं है, कोई शक नहीं, बिल्कुल लेकिन बस किस्मती यही है कि उन लोगों को हम लोग हाईलाइट ऐसे ही नहीं नहीं कर कर पा रहे, पाते। यही बात है। मैं अभी क्योंकि आपने माउंटेन्स की बात की, बॉक्सिंग की बात की, माउंटेन के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी शिगर से, जहाँ पे केटू का पहाड़ है, मेरा गांव हाँ, भी उसी गांव में है। जबरदस्त। केटू एक बहुत बड़ा, एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि वो हमारे मुल्क में मौजूद है, और उसको क्लाइम करने के लिए, उसको चढ़ने के लिए बहुत सारे जो है इंटरनेशनल कोपैमा इधर आते हैं ऐसे ही आके। बिल्कुल। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रोस्टफ वहाँ खेली जाती है जहाँ पे हॉकी, वहाँ खेली जाती है जहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ होता है। यही बात है। तो हमारे पास जो है, अभी आपने पाकिस्तान और नेपाल की बात की, हमारे उस एरिया में पहाड़ी हैं जिस पे क्लाइंबिंग की जा सकती है। हमारे जो क्लाइंबर्स, जो हीरोज़ हैं, इनके लिए 6,000-7,000 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा। ये नॉर्मल सी है। ये अपनी कॉस्ट में भी निकल जाते हैं, अपना सामान उठाया और चले गए। जहाँ तक बात आती है अबव 8,000 मीटर्स की, तो वहाँ एग्जैक्टली। पे आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स की होती है, ड्रेसेस की होती है, एग्जैक्टली, ऑक्सीजन यह की। सब इस पे इंशाल्लाह आगे चल के इन डिटेल बात करेंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इन डिटेल आपसे जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन सच में मिलो फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त, यकीनन मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ आज के इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए, इवन जानने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के हवाले से हम बात करें और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो है हम जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिनमें जैसे मैंने शौक की बात की तो दोनों हमारे जो मेहमान हैं ख़तरनाक शौक जो है वो रखते हैं, कुपेमाई का और बॉक्सिंग का। डेफिनेटली आज बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिलेगा, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी अय्या साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आबिद साहब और शिव साहब से हम जानते हैं। मैं ये कह रहा था कि हमारे इधर तो 6000 और 7000 में लोकल्स हमारे नॉर्मली क्लाइंबर्स निकल जाते हैं उनके पर्सनल इक्विपमेंट्स के साथ। जब हम बात करते हैं अबव 8000 की, उसके लिए हमें बड़े चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके, क्योंकि ये खेल हर बंदा खेल नहीं सकता है। बिल्कुल। और जो है मौत को आप अपनी हथेली पे लेके जाते हैं। यही बात मैंने वही कहा ना कि अगर कोई आपको कहे कि कुएं में छलांग लगाओगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, लेकिन ये वही करेगा जिसमें जज्बा होगा, हिम्मत होगी। और ये वो लोग करते हैं जो क्रेजी होते हैं, थोड़े से ऊपर से खिसके होते हैं, क्योंकि ये खेल जो है बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। और इसके लिए जब तक आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते आपके पास, एग्जैक्टली आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस पर हम मजीद भी आपसे जानेंगे। खतरनाक आपने शौक की बात की और उन लोगों की बात की जो थोड़े से मेंटल होते हैं, ये हम आबिद साहब से जानते हैं। आबिद साहब आपकी तरफ इन्होंने इशारा किया, चूँकि आप माशाल्लाह से नेशनल कोप में आए, तो आपसे जानना चाहेंगे ये शौक कैसे पैदा हुआ, क्योंकि ना ये खतरनाक एक शौक है। जी ये शौक 1952 में मेरा दादा इस फील्ड में था। हाँ। पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर था मेरा दादा। जब पाकिस्तान में पहली बार फॉरेनर्स आए थे तब पाकिस्तान में कोई माउंटेनियर नहीं मिला था। उस टाइम मेरा दादा फर्स्ट टाइम फॉरेनर के साथ जाके K2 के कैंप फोर्स है, वहाँ से ऊपर जाना नहीं देते थे, इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ से वापस आ गए। तो तब से लेके अब तक हमारी पूरी ख़ानदान में सारे माउंटेनियर्स हैं। अभी माशाल्लाह से सतपारा गांव का नाम है। आज सतपारा गांव में कम से कम आपको 150 से अबव माउंटेनियर मिलेंगे। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से आपको माउंटेनियर मिलेंगे। तो ये शौक हमारे पर दादा का था, उसके बाद वालिद साहब का, फिर ये विरासत से मिला हुआ है। जी जबरदस्त। आपके शौक के हवाले से एक हमारी टीम ने मॉन्टाज भी तैयार किया है, वो पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिएगा। नाज़रीन यकीनन जब ऐसी सर बुलंद चोटियाँ हम देखते हैं, पहाड़ियाँ देखते हैं, जिन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी होती है, लेकिन खूबसूरत भी लगती हैं, लेकिन जब इन्हें सर करना हो, जब इन्हें अबूर करना हो, इस चोटी तक पहुंचना हो, तो अब ये सब खासा मुश्किल हो जाता है। और यकीनन ये फिर वही अय्यासा वाली बात आ गई, जो थोड़ा सा मेंटल होगा जिसमें एक्स्ट्रा क्रेज़ होगा ये वही कर सकेगा, क्योंकि इतने माइनस टेम्परेचर को बर्दाश्त करना सा मुश्किल है। जी ये फील्ड हौसले से, मेन चीज़ इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए। उसके बाद इस फील्ड में हर एक कदम, हम तो जान को हथेली में लेके जाते हैं, हर एक कदम हमें मौत नजर आता है वहाँ पे। आपको पता है जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो वहाँ रस्सी कटने का भी खतरा होता है, फास्ट बाइट होने का भी खतरा होता है, और लानी आने का भी खतरा होता है, क्रेविस में जाने का भी खतरा होता है, फिसल जाने का भी खतरा होता है। ये सारा मुश्किलात हम मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के हिलाली परचम को लहराते हैं, हम वो जुनून और जज्बा लेके जाते हैं। अच्छा अब सब नाज़रीन के लिए ये यकीनन वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल नौजवानों में जज्बा है माशाल्लाह से, लेकिन बस बोलने की हद तक ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, उनको ज़रा बताएँ कि कैसी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे, यकीनन आपके जो सांस आपको लेने में दुश्वारी होगी, ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर आपके पास इतना वेट होता है, खाने पीने की चीज़ें, या आप ज़ख्मी हो सकते हैं, तो और किन मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
मुश्किलात का सामना तो यही है मैडम, हर एक कदम आप में मुश्किलात का सामना नज़र आता है। और पहली बात ये है, जो पाकिस्तानी जो माउंटेनियर्स हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तानी जो माउंटेनियर्स हैं ये डबल आपका रिस्क लेके जाते हैं। एक तो वो जो फॉरनर आते हैं उनके लिए रास्ता भी बना लेते हैं, और उसके बाद फॉरनर को हम रस्सियाँ भी लगा लेते हैं जबरदस्त। और उनको कैंप भी हम लगाते हैं, तब जाके फॉरनर्स हमारे पीछे पीछे आके वो केटू से मेट कर लेते हैं। तो हर कदम हमें मुश्किलात का सामना होता है। जी ठीक है, मज़ीद भी आपसे हम जानेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें दरकार हैं, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं शेब साहब से। शेब खान साहब, यकीनन आपका जो हम आपका पहले तो आपको हम मुबारकबाद पेश करते हैं, माशाल्लाह से मुबारक, थैंक पाकिस्तान का यू। आपने नाम रोशन किया, और ऐसे ही यंगस्टर को हमें प्रमोट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारी सच थैंक यू सवेरा की सो मच, टीम की खैर तरफ से, मुबारक। सच टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से। दूसरा, हम जानना चाहेंगे आपका शौक, ये भी कोई आम शौक नहीं है, बिल्कुल, बहुत खतरनाक शौक है, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ये शौक कैसे पैदा हुआ। मैडम जैसा कि आपको बताएं, मेरा जो ताल्लुक़ है वो क्वेटा बलूचिस्तान से ही, जो कराची और बलूचिस्तान इन दोनों जगहों में जो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा होता है, वो अभी मतलब गली गली में हर मोहल्ले में मतलब बॉक्सिंग क्लब होते हैं और एक बॉक्सिंग मरकज़ समझा जाता है पाकिस्तान में। तो उनको देख कर मतलब मुझे भी शौक हुआ। वैसे मेरा जो फैमिली मेम्बर है मतलब या तमाम मतलब मेरा जो फैमिली है, मेरा कास्ट जो है, हाँ, कोई भी मतलब बॉक्सिंग से रिलेटेड कोई इस तरह का शौक नहीं रखता है, मतलब जो डेंजरस अच्छा, शौक। जी यानी हाँ आबिद साहब को तो विरासत से कोई फेवर मिली, जी लेकिन आपकी फैमिली में हाँ, ऐसा मेरे कुछ पूरे नहीं कास्ट था। में कोई भी बॉक्सर नहीं है। अभी इन दिनों में जब मैं गया था एशियन टाइटल जीत के, जब मैं तो एआरओएन न्यूज़ में, जियो न्यूज़ में, आप लोगों के तवसुल से मतलब जो न्यूज़ में चला, तो मुझे मेरा सरदार ने कॉल किया कि ये क्या सीन है शेब, आप एशियन चैम्पियन बने, और मुझे आज पता चला, और अच्छा आपका वालिद साहब ने भी हम लोगों को मतलब कभी आगाह नहीं किया था इस हवाले हाँ से कि आप हाँ इस लेवल तक पहुंचे हुए, तो आप हमारे लिए प्राउड हो, फ़ख्र बिल्कुल हो। जी हाँ, प्राउड, तो एग्जैक्टली। मैंने कहा बस सरदार साहब, असल में वक्त इस तरह था कि मतलब मुझे भी इस तरह मौका नहीं मिला कि आप लोगों को हाँ बताते हाँ बताता, हाँ और वालिद साहब के भी शायद इस हवाले से आप लोगों के साथ बस मुलाकात अपने नहीं हुआ शौक में होगा। इतना मगन था कि बस मेहनत में लगा हुआ जी था। हाँ बस यही, तो अल्लाह पाक ने फिर जब मैं पहले दफ़ा आया था आप लोगों के साथ मॉर्निंग शो के लिए, उसी टाइम में इस एशियन टाइटल के लिए क्वालिफायर राउंड में मतलब चल रहा था मेरा, तो अल्लाह पाक ने मुझे उसमें कामयाब किया और मैंने एशियन टाइटल के लिए क्वालिफाई किया। अब तकरीबन 30 नवंबर को जो मेरा फाइट हुआ इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ जो एशियन टाइटल का था, हाँ, तो 10 राउंड था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 10 के 10 राउंड में मैं विन हुआ एग्जैक्ट, हूँ। कोई माशाल्लाह बॉक्सर अगर फाइट माशाल्लाह। खेल रहा हूँ तो उसमें मतलब इस तरह होता है कि 7 राउंड में जीत जाता हूँ, 3 राउंड वो जीत जाता है, तभी 7 राउंड विनर है, 6 राउंड में जीत जाता हूँ, 4 राउंड वो जीत जाता है, तब तभी भी मैं विनर हुआ। मैंने एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कोरिंग टेन के बुक टेन देखा लास्ट टाइम, जीते, जी 10 के 10 राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर माशाल्लाह था। ज़बरदस्त। मज़ीद नाज़रीन अपने इन हीरोज़ के बारे में आपको बताएंगे, इनसे मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन चूंकि अभी ब्रेक की जानी बढ़ना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। आज नाज़रीन हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के हवाले से, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, और आप लोगों को बता रहे हैं कि जितने भी शौक़ हैं, ख़ासकर वो जिनमें जान की बाजी लगानी पड़ सकती है, जिसमें आपकी जान, आप जान की बाजी हार जाते हैं, लेकिन इतना जज्बा, इतना शौक़, इतना पैशन, इतनी लगन होती है कि आप अपने लिए नहीं सोचते, अपने मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए, अपने मुल्क का जो परचम है सर बुलंद करने के लिए, आप इस जान की बाजी लगाने को भी तैयार हो जाते हैं। तो हमारे ऐसे हीरोज़ हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करें। जी शुएब साहब, आप इसे हम बात कर रहे थे इस ख़तरनाक शो के हवाले, ये जो आपका शौक़ है उस हवाले से नाज़रीन को आप आगाह कर रहे थे कि यकीनन ये आपकी आपको विरासत में नहीं मिला, आपको जी शौक़ हाँ था, लगन था, तो आपने ये कर गुजरे। अच्छा, आजकल देखने में आता है नौजवानों के अंदर कि जो अगर थोड़ी बहुत मार पिटाई कर लेता है, वो अपने आप को चैम्पियन समझना शुरू कर देता है कि मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूँ। देखो, जी इसी तरह अच्छा, जैसे ये खासकर कि ये जो आपने टाइटल उठाए हुए हैं, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं। जी हाँ, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब मेरा जो फाइट हुआ था ये 10 नवंबर 30 नवंबर को थाईलैंड में, तो मेरा जो फाइट था इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ था,
एक थाईलैंड और एक इंडोनेशियन के जो बॉक्सर हैं, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये लोग हाँ ट्रेनिंग करते हैं मोथाई में, मतलब इसी तरह किक बॉक्सिंग में, एमएमए में, हर गेम में ये लोग मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरा जब फाइट का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मेरा साथ मेरा मैनेजर अवल खान साहब जो गया था, हाँ मैंने उसको कहा था कि इंशाल्लाह मैं इसको 3 राउंड में नॉकआउट करूँगा, क्योंकि मैंने इतना ट्रेनिंग नहीं किया था। और सबसे पहले मेन मतलब जो बात है हमारे पाकिस्तान में मतलब स्पॉन्सरशिप की होती है जी, लास्ट वीक तक मुझे मतलब स्पॉन्सरशिप ना मिलने की वजह से मेरा ट्रेनिंग जो बहुत काफ़ी मतलब वीक था, ओहो तो उसकी वजह से मैंने ट्रेनिंग इस लेवल पे नहीं किया था जिस लेवल पे मुझे करना चाहिए था। जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, मैंने तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम मतलब अपनी मायूसी का भी मतलब वो बताया कि मतलब मैं इस फाइट के लिए तैयार नहीं हूँ, कि अपने मैनेजर को मुझे मैंने नहीं कहा, लग रहा कि मैं तो जीत उन्होंने कहा सकूं। मुझे आप पे भरोसा है। मैंने कहा मैं अगर पाकिस्तान में खेलता तो आप मुझे मुझ पर भरोसा रखते तो ठीक था, मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल मेरा लेवल जो अपोनेंट है एग्जैक्टली उसको जो फाइट का अनाउंस था 3 महीने पहले, मतलब 3 मंथ्स पहले मतलब उसको मिला है, तो वो 3 मंथ से मतलब मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब ये अच्छा हो गया 6 महीने उसका ट्रेनिंग। हाँ मैंने सिर्फ मॉर्निंग टाइम ट्रेनिंग किया, वो भी बहुत मुश्किल से, और कदम कदम पे मैं यही सोच रहा था कि क्या मुझे स्पॉन्सर मिलेगा, क्या मुझे स्पॉन्सर मिलेगा। इस कदम पे मैंने ट्रेनिंग किया है, तो मैं क्या मतलब मैं तो मायूस होकर जा रहा हूँ इस मुल्क से, मतलब इस उस जीतने के मतलब लिए वो एक खुशी का इजहार नहीं था, थोड़ा मायूसी थी कि क्या जी बनेगा, हाँ, उस तरह कि ट्रेनिंग भी पता नहीं है। नहीं क्या होगा। फिर बॉक्सिंग जो एक बहुत रिस्क गेम है, मैं हर गेम का कदर करता हूँ, मतलब हर स्पोर्ट्स का कदर करता हूँ, हर स्पोर्ट्समैन का मैं कदर करता हूँ। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है कि लाइक मैं जब मेरे वालिद साहब को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि वालिद साहब को मैंने कहा बाबा मैं जीत गया, उन्होंने कहा जी मैंने आपको फाइट लाइव देखा, क्या बात है, तो मैंने क्या उसको बात कहा है। कि बहुत मुश्किल फाइट था, आपने शायद देखा होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं एग्जैक्टली बेटे, मुझे शिव सब छठे हम राउंड तो में देखते सातवें राउंड में हैं पता चल आपकी इस गया। फाइट के हवाले से, आपकी इस जर्नी के हवाले से, एक मोन्टाज हमारी टीम ने तैयार किया है, वो पहले अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जी ले कीजिए। मोन्टाज आप लोगों ने देखा नाज़रीन, यकीनन जब इस तरह अपने पाकिस्तानियों को देखते हैं, हमारे खासकर नौजवानों को देखते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान से बाहर जाकर इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, यकीन ये बाहर से फ़ख्र बात है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, प्रमोट करना हम सब की जो है वो जिम्मेदारी है। जी शिव साहब, आप अपनी स्टोरी कंप्लीट करें, जी हमारे हाँ, तो नाज़रीन को मैंने बताएं वालिद साहब के जर्नी बारे में कहा आपकी। मैडम, जब वालिद साहब ने मुझे फ़ाइट के बाद कहा कि शेब जब आप माशाल्लाह 6 राउंड के लिए, तो हम लोगों को यकीन हुआ कि ये फ़ाइट आप जीत जाओगी। तो ज़बरदस्त, मैंने वालिद साहब को बोला कि नहीं बाबा, ये फ़ाइट जो इस तरह होता है, लास्ट सेकंड तक मैं सीरियस, मतलब इस हद तक मैं सीरियस था कि मैंने कहा ये हाँ फ़ाइट मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि एक पंच का कोई भरोसा नहीं होता है। जब बॉक्सिंग बिल्कुल में अगर कोई मतलब बॉक्सिंग का बादशाह भी कहलाया जाए, मतलब लाइक मोहम्मद अली, हाँ वो मतलब बॉक्सिंग के एक बादशाह था, बहुत अच्छा बिल्कुल प्लेयर था, वो भी फ़ाइट हार चुके हैं, कई कई फ़ाइटें हार चुके एग्जैक्टली, हैं। मैंने कहा कोई ऐसे पंच का, कोई किसी पंच का कुछ कोई भी पता नहीं भरोसा होता नहीं है, आया, सही है। हाँ किसी टाइम भी मुझे ले सकता था। मैंने कहा 10वें राउंड के आखिरी सेकंड तक मैं सीरियस खेल रहा था, और मैं इसी शक में था कि खुदा ना खास्ता मैं नॉकआउट ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरा जो अच्छा अपोनेंट था वो हाइट में मुझसे छोटा था, और अच्छा उसका कोशिश यही था कि वो मुझे नॉकआउट करें, हाँ हाँ उसका 100% हाँ कोशिश यही था कि मैं इसको नॉकआउट करूँ। मेरा अच्छा जो फर्स्ट राउंड में मेरा नॉकआउट करने का मतलब सोच था, मैंने जब इसको पंच मारा तो मेरे ये हार्ट डैमेज हो गया वहाँ पे, उसी टाइम ओहो बहुत दर्द मुझे महसूस हो रहा था। 10 राउंड मैंने इसी मतलब जख्मी हाथ से खेला। माय मैंने अगर वहाँ पे गॉड। मतलब डॉक्टर को या किसी को इस तरह को मतलब रिक्वेस्ट करता कि मेरा हाथ जख्मी है, तो ये लोग फिर फाइट को स्टॉप करते। ये लोग कहते हैं कि जब आपका हाथ इतना अच्छा लगा, जब मतलब हड्डी को इस तरह मतलब दर्द महसूस हुआ है, खुदा ना खासा कि आपका हड्डी तो टूट नहीं गया होगा, तो फिर ये अच्छा लोग वहाँ फाइट को, पे जी फाइट हाँ स्टॉप कर देते जी हाँ, हैं। फाइट स्टॉप कर देते हैं, अगले अच्छा अपोनेंट को ये लोग विनर कर देंगे। इस मज़ा वजह से फिर मैंने वो किया। तो इस दफ़ा अलहमदिल्ला जब मैं जा रहा था मैडम, मुझे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, फेडरल मिनिस्टर ज़बरदस्त। एहसान रहमान मज़हरी साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ, और इनके अलावा डीजी स्पोर्ट्स जो एहसान अगला शायद शायद इस्लाम साहब हैं, डिप्टी डीजी साहब, इनके तरफ से मैं मतलब मैं इनका बेहद मशहूर हूँ। हाँ, ज़बरदस्त और इसी ज़बरदस्त। तरह मैं ये कहता हूँ कि मतलब तमाम बोझ जो है गवर्नमेंट पे ना डाला जाए, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी आगे प्राइवेट आ जाए, जी हाँ, एग्जैक्टली वो भी अपना ब्रांड्स हैं, एकदम एम उनको भी किरदार स्पॉन्सर अदा करे। करना जी हाँ, चाहिए। अभी एक घर में अगर एक बंदा मतलब काम कर रहा हो या कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, तो वो पूरे घर में एहसान करते कि सारे घर को मैं चला रहा हूँ। ऐसे जी, हमारे साथ अगर इस तरह के हीरो जो मुल्क को मतलब ना रिप्रेजेंट कर एग्जैक्टली दे, हम इन वहाँ इनसे भी हम शेव बिल्कुल जानते हैं। यह सब जैसे स्पॉन्सर की बात की शेव साहब ने, और इन्होंने कहा कि जाते हुए थोड़ा मायूस भी थे क्योंकि ट्रेनिंग उस तरह नहीं थी, स्टार्ट में स्पॉन्सरशिप उस तरह नहीं मिल सकी थी। यकीनन ये शौक ऐसे हैं, देखें इसके लिए बहुत चीज़ें दरकार होती हैं,
ट्रेनिंग के लिए आपको फीसेस चाहिए होती हैं, किट के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, तो अगर हम कोप एमआई की बात करें तो क्या इसमें लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं या अपनी मदद आपके तहत ही, क्योंकि यकीनन ये खासा महंगा शौक है, इसको कह सकते हैं आप? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अक्सर जगह यही सवाल हमसे किया जाता है स्पॉन्सर्स का। अगर आज से कोई 15-20 साल पहले चले जाए तो उस ज़माने में स्पॉन्सर्स का तो कहीं ज़हनों को मन भी नहीं ऐसे था, बिल्कुल। लेकिन जो जो इस माउंटेनिंग फील्ड में लोग आए, संसद पारा वजीर साहब और दूसरे जो कोपैमा आए, जब उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान का लाली परचम लेके उस बुलंदतरीन पहाड़ों पे गए। एग्जैक्टली, ये सब इंतहाई अहम ये चीज़ है जो हम जानना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को भी, ताकि पता चले कि स्पॉन्सरशिप कितने ज़रूरी है ऐसे जो नेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके लिए कितना मायने रखता है। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इन डिटेल आपसे जो है हम जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सबसे पहले एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। इंतहाई आम टॉपिक, बहुत खूबसूरत टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे आज हम बात करें, और बहुत ही ख़तरनाक खेलों के बारे में जो है, शौक़ के बारे में जो है हम बात करें। कौमी हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ऐसे शौक़ जिनमें जान जा सकती है, लेकिन अगर आपने ये शर्फ हासिल कर लिया पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करने का, तो यकीनन आप हमेशा के लिए जो है वो अमर हो जाते हैं, ज़िंदा हो जाते हैं लोगों के दिलों में, दुआओं में। तो यकीनन ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, किस तरह से डिफरेंट शोबा जात में वो जाते हैं, कितना जज्बा रखते हैं, कितना शौक़ रखते हैं, और ख़ासकर ये जान रहे हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना होता है। जी अय्या सब, आप इसे हम बात कर रहे थे स्पॉन्सरशिप के हवाले से हम बात कर रहे थे। जी मैं तो सबसे पहले कहूँगा, जितने भी हमारे क्लब्स हैं, हमारी जितनी भी सॉरी फेडरेशन है, मतलब उस सच हमारे उन प्लेयर्स को उस तरह स्पॉन्सर्स नहीं करते जो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। जिस तरह क्लब्स हो गए, हमारे फेडरेशन हो गए, यहाँ पे मेरे ख्याल जितने भी हम बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपना लोहा मनवाया। अच्छा। अभी आप देख सकते हैं हसन साहब की बात कर रहे हैं, हमारे बॉक्सर भाई बैठे हुए हैं, तो इन्होंने खुद अपना एक लोहा मनवाया है, किसी इदारे ने या किसी क्लब से इनको उस तरह स्पॉन्सर्स या उस तरह की हौसला अफजाई नहीं की जो इनका राइट बनता है, क्योंकि अभी स्पॉन्सर लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका है ऐसे ही। और उसके लिए कायदा, क्योंकि मैं बात करूंगा माउंटेनिंग की, तो उसके अंदर बकायदा एक प्रपोजल बनाई जाती है। अब क्रिकेट में देखें बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, लेकिन हमारे इस स्पोर्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? जबकि देखा जाए तो ठीक है, क्रिकेट की बात करें, अदर फुटबॉल की, अदर जो गेम्स की बात करें, ठीक है वो चलता रहता है, उनके लिए स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसे खेल हैं जिसमें आपको कुछ पता नहीं कि आप ज़िंदगी की बाजी भी हार सकते हैं, बहुत ख़तरनाक ये एक शौक है, तो इसमें बढ़ चढ़ के क्यों नहीं स्पॉन्सर करते? इसकी वजह यही है कि जो स्पॉन्सर करता है वो देखता है कि मेरे को क्या बेनिफिट है। अच्छा, यानी पहले वो अपना मुफाद देखता है। जाहिर सी बात है ना, सॉरी, वो जो भी स्पॉन्सर्स करता है वो अपनी देखता है कि हमें क्या बेनिफिट्स है, हम जो इसको दे रहे हैं हमें रिटर्न में क्या आएगा। तो अब कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, जो हमारे इन स्पोर्ट्स को, प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अब डे बाय डे जो है वो यहाँ के जो स्पॉन्सर्स हैं, हमारे लोकल जो ब्रांड्स हैं, वो आगे आ रहे हैं और उन प्लेयर्स को आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरह बैंक्स हमारे पास काफ़ी आगे आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के काफ़ी जो बिजनेसमैन लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मुश्किलात हैं। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगा जो पहाड़ों में रियल हीरोज बैठे हुए हैं, और उनको स्पॉन्सर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, उनकी प्रपोजल बनाना, उनको फिर शहरों में परस्यू करना, फिर उनके डोर टू डोर जाना, मेरा बहुत मुश्किल है, खासा नहीं मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है।
उनको K2 क्लाइंब करने से ज़्यादा स्पॉन्सर लेने में ज़्यादा मुश्किल आती हैं। तो बेचारे जो बैठे हुए हैं उन पहाड़ों पे, वो जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, पाकिस्तान का हलाली परसम K2 और नंगा पर्वत और दूसरे माउंट एवरेस्ट में लेके जाते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है स्पॉन्सरशिप्स को लेने के लिए। तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अभी जो कुछ हमारे जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपने समझ चुके हैं कि स्पॉन्सर किस तरह लिया जाता है, उन्होंने अपने मैनेजर्स कुछ लड़कों को हायर किया हुआ है, वो उनकी प्रपोजल बना के, और समर में ये लोग ऑलरेडी सब बिजी होते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो विंटर में शहरों में आके ये प्रपोजल के थ्रू अपने डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं या बिजनेसमैन लोग हैं उनको ये प्रपोजल अपने मैनेजर के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा या अदर ब्रांड्स, जो प्राइवेट ब्रांड्स उनके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो हुकूमती सतह पे कुछ इकदाम होते हैं, कोई हेल्प मिलती है, कोई स्पॉन्सरशिप? गवर्नमेंट की सतह पे उस सच नहीं होती जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह उनका राइट बनता है उस तरह करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है क्रिकेट स्पोर्ट्स बोर्ड है, इसी तरह हमारी माउंटेनिंग जो है हमारा, क्योंकि हमारा कौमी खेल जो है पोलो है, फिर गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशली वहाँ पे माउंटेनिंग ही खेली जा सकती है क्योंकि और हमारे पास कोई है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के भी वहाँ पे सोर्सेस अपने इश्यूज हैं, उनके अपने बजट्स के इश्यूज हैं। सही, यह सब एक और ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी बात को कंप्लीट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच्चवा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक नाज़रीन आज का जो हमारी टीम की जानिब से सेलेक्ट किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। ऐसे शौक जिन पे बात की जा रही है, कौमी हीरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करें, कोपेमाई की बात करें इंतहाई ख़तरनाक, बॉक्सिंग की बात करें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खेल, लेकिन इन खेलों के अंदर ख़ुद को मनवाना, एक जज्बा रखना, एक लगन, एक शौक़ के साथ जो हमारे हीरो सामने आए जिन्होंने ना सिर्फ इस शौक़ को पाला बल्कि करके दिखाया, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया, तो यकीनन ऐसे लोगों को हम सलाम पेश करते हैं और ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है जो अपने मुल्क के लिए ऐसी खिदमात सर अंजाम देते हैं, जो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जी या सब हुकूमती सतह पे हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से ऐसे सेक्टर्स को, जो कोपेमाई की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, जो ख़तरनाक जिन हम खेलों का कहते हैं या ख़तरनाक शौक कहते हैं, कितना स्पॉन्सर करती है? स्पॉन्सर मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट कोई इनको स्पॉन्सर्स करती है। अच्छा। और जितने भी माउंटेनियर्स जाते हैं ये अपने प्राइवेट सेक्टर्स प्लस फिर इनका अपना शौक। इस जिस तरह आप काउंटीज खेलते हैं क्रिकेट की मैं बात करूंगा, इसी तरह जब कोपेमा जाते हैं तो इनको सीजन में जो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स आते हैं वो इनको हायर करते हैं कि आपने इस साल हमारे साथ माउंटेनिंग आपने जो है हमारे साथ करनी है। तो इन पे एक बहुत बड़ा, थोड़ा सा मैं इस पे बड़ा मुझे दुख भी होता है कि हमारे हाई पोटर का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जितने भी हमारे क्लाइंबर्स हैं। अच्छा। तो हमारी ख्वाहिश भी है, हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि इनको एक बकायदा प्रॉपर एक माउंटेनिंग पाकिस्तान माउंटेन गाइड्स के हवाले से कोई एक नाम दिया जाए या वटएवर जो भी है उनको एक प्रॉपर एक नाम दिया जाए। जहाँ तक स्पॉन्सर की बात है ये प्राइवेट सेक्टर ही कर रहा है अभी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि इनको कोई बाकायदा प्रॉपर फंडिंग करती है। मुझे एक याद है हमारे हीरो थे मोहम्मद अली सतपारा जिनका K2 में हुआ, exactly. और वो कहीं खुली कचहरी में गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा मुझे स्पॉन्सर चाहिए और मेरे ये कारनामे हैं, उन्होंने 8 PK कर चुके थे। तो उसने कहा कि यार जो पैसे मैंने तुम्हें देने हैं वो मैं किसी हॉस्पिटल को या किसी स्कूल को दे दूं। अच्छा। तो वो वहाँ से बड़े मायूस होकर वहाँ से निकले कि यार मैंने दुनिया में इतना बड़े कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, तो हमारे गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी ही नहीं है कि हम इन लोगों को उस तरह स्पॉन्सर्स करें, तवज्जो देने की जरूरत करें। अच्छा, ये सब को पैमाई की अगर बात करें, इस पर अगर तवज्जो दी जाए, स्पॉन्सरशिप के यकीनन लोग इस तरफ नहीं आ रहे, अपना मफाद सोचते हैं, पहले देखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं कोपेमाई के लिए पाकिस्तान में आते हैं, अगर हम उन्हें होस्ट करते हैं
तो ये कितना हमें फ़ायदा दे सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए जी, जब इंटरनेशनल क्लाइंबर्स, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस इलाके से है और मैं इंटरनेशनल मार्केट में दुनिया में जाके हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेके भी आते हैं, जब एक कोपहमा इधर आता है उसके साथ 8 से 10 हाई लो पोर्टर्स जाते हैं, सबसे पहले वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रॉयल्टी की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में दिया जाता है। सही। फिर उसके बाद एयरलाइंस को बिजनेस मिलता है, उसके बाद होटल्स को, उसके बाद आपके पूरे एक चेंज है। तो अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को थोड़ी सी इस पे सोचे, इसमें नरमी डाले। जबकि आपके पास जब तक इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएगा, वैसे भी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमें डॉलर्स की शॉर्टेज है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन एक्सपीडिशंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तान में लाएँ और उनके लिए पॉलिसीज ईजी करें, मैं नहीं समझता हूँ कि, और स्पेशली फ्राम गिलगित बल्तिस्तान और के लिए वहाँ पे एक ही इंडस्ट्री है, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर दो बड़े सब्जेक्ट है वहाँ पे, एक माउंटेनिंग है, एक टूर्स है। तो मैं समझता हूँ कि जो कोपहमा आ रहे हैं और हमारी जितनी पाकिस्तान की दुनिया में एम्बेसीज हैं, उनको चाहिए कि मोर इंफॉर्मेशन दें, वेबसाइट्स में जाके हमारी दें। और मैं समझता हूँ कि अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है तो उस एरिया की और हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट अप हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अब नेपाल को देख लें, उनकी जितनी भी मोस्टली जो इनकम है वो टूरिज्म से है। ये बात है। तो हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है, 4 सीजन दिए हुए हैं। आपके पास ऑटम है, ब्लॉसम है, फिर आपके पास समर है, विंटर है, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। बेशक हम उन चीज़ों को जो है वो वहाँ पे जो है अपना अपने आप को उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो उसके अंदर फ़ायदा उठाने के लिए ये कि हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा। हाँ। और हम सोने पे बैठे हुए हैं, हीरों पे बैठे हुए हैं, लेकिन हम सोने यूटिलाइज करना नहीं आ रहा, रियलाइज करना नहीं आ रहा। तो उसके लिए यही है कि जो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, उन लोगों को आप एतमाद में लें और उनके साथ पॉलिसीज बनाएं। और ख़ासकर लोगों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहाँ स्पॉन्सर की अगर बात की जाए, जो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, जहाँ आप अपने मफाद के बारे में देखते हैं हमें कहाँ फ़ायदा होगा तो हम स्पॉन्सर करेंगे। देखिए, जब आपके मुल्क का नाम रोशन होगा तो यकीनन आपका नाम भी साथ दिया जाएगा, तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जिस तरह भी हम सॉफ्ट इमेज की बात कर रहे हैं, और अभी आप देखें हमारे जीबी के अंदर एक नई एक टूरिज्म पुलिस बनी है, टूरिस्ट पुलिस के नाम से। तो पुलिस का नाम लिया जाए तो एक हमारे अंदर एक थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, ऐसे ही है, जब आप सेफ सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जीबी की जो टूरिस्ट पुलिस है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो वहाँ पे उनकी हर जगह चेक पोस्ट बनी है, बड़े फ्रेंडली है। तो कहने का मकसद, जब हम एक छोटे से सूबे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पे ये सेटअप ला सकते, क्यों नहीं हम ला सकते अपने पूरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में। Exactly. और पाकिस्तान, मैंने आपको कहा ना जी, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज से नवाजा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, समंदर से लेकर दुनिया की बुलंद तरीन सेकंड हाईएस्ट पीक K2 तक पहुंचाया हुआ। तो हमारे पास एक ही मौसम के अंदर, एक ही जून में, अगर यहाँ पे अगर आप 45 टेम्परेचर आपका सिबी में जा रहा है तो वही टेम्परेचर आपके बल्तिस्तान के अंदर जो है वहाँ पे 20 जा रहा है या 25 जा रहा है। तो आप देखें कितना, मतलब एक ही रैक, एक ही टिकट में आप बहुत मजे ले रहे हैं। इन तमाम ये जो रहमत नेमतें हमारे पास है अल्लाह पाक की, इनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। मजीद भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से मजीद इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद।
नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ हमारे हीरोज़ मौजूद हैं जिनके जो शौक़ हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और बहुत महंगे तरीन शौक़ आप इनको कह सकते हैं। कोप एमआई की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, यकीनन हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है, तो डेफिनेटली नाज़रीन ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको जज्बा, हिम्मत, सब्र चाहिए, आपको लगन, शौक़ होनी चाहिए, होना चाहिए कि आपने बस जीतना है। और ये सिर्फ अपने लिए आपकी जीत नहीं, आपके मुल्क के लिए ये जीत होनी चाहिए। तो यकीनन तब इंसान के अंदर वो जो एक मरने का या मौत का खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। बस उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मैंने कर गुजरना है, मैंने जीतना है। और जीत किस के लिए? अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे हीरोज़ को यकीनन हम सलाम पेश करते हैं। ऐसे ही उसकी मुश्किलात को समझना चाहिए और जो उन्हें मुश्किलात दरपेश है उनको हल करने के लिए हम सबको जो है वो फ्रंट पे आना चाहिए। देखें, हम सारे बहुत बहुत कुछ करते हैं, ऐसे कामों में हम सर्व करते हैं, ऐसे कामों में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे कामों में हम स्पॉन्सर कर देते हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब ऐसे हीरोज़ को हम स्पॉन्सर करेंगे, ऐसे हीरोज़ की मुश्किलात को हम समझेंगे, उन्हें हाईलाइट करेंगे, उन्हें ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे, तो ये हीरोज़ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो यकीनन इनका साथ देना हम सब की जिम्मेदारी। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी अयाज शिगरी साहब, उनके साथ हैं आबिद सतपारा साहब, और उनके साथ हैं मोहम्मद शुएब खान साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जी आबिद सतपारा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, वालिद साहब का आपने जिक्र किया, उन्होंने किस तरह से आपको मोटिवेट किया, आपकी हौसला अफजाई की, आपको हिम्मत दी कि आबिद तुम भी ये कर सकते हो? जी सवाल अब दोबारा पूछे मैंने से। आपके वालिद साहब के हवाले से हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि ये चीज़ आपको विरासत में मिली है, आपके दादा, आपके वालिद साहब भी कोप एमआई किया करते थे, तो फिर आप भी उनको देखते हुए इस फील्ड में आए। जानना ये चाहेंगे हमारे नाज़रीन भी कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपके वालिद साहब ने आपको किस तरह से अप्रिशिएट किया और हौसला अफजाई की कि आप तुम भी कोप एमआई की तरफ आओ? जी बिल्कुल, जब मैं 14 साल का मेरा उम्र था तो मैंने वालिद साहब को रिक्वेस्ट की, वालिद साहब मैं भी इसी फील्ड में आना चाहता हूं, तो मुझे भी किसी पीक में लेके जाएं ताकि मैं कम उम्र को पैमा बनूं। तो वालिद साहब ने कहा बेटा आप इस फील्ड में नहीं आ जाओ, क्योंकि आपके वालिद साहब ने पाकिस्तान के अंदर सारे पीक सिमट की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके वालिद को कुछ भी नहीं दिया। यानी कि वो मायूस थे? मायूस थे। तो फिर वालिद साहब ने मुझे इस फील्ड में नहीं लाया। जब वालिद साहब के गुजरने के बाद फिर लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके वालिद साहब की जो फील्ड है इसको आपने आगे लेके जाना है, फिर मुझे हौसला आया, फिर मैंने इस फील्ड को आगे लेके गया। मेरा ये 2 साल हुए इस फील्ड में आके, ठीक है, माशाल्लाह से मैंने 6 पीक सर किए, 6,500 की। तो इंशाल्लाह वालिद साहब का जो अधूरा मिशन है, वालिद साहब ने 8,006 पीक सिमेंट की है, पूरा दुनिया में 8,014 पीक्स पाया जाता है, उसमें से 8 बाकी रहता है। जबरदस्त। तो वो मैं वालिद साहब के जो अधूरा मिशन है वो मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं पिछले 2 साल से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे स्पॉन्सर करें ताकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ 8,000 अबाव पीक पे जाके। तो वालिद साहब का मिशन भी पूरा होगा, साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी मैं रोशन करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यकीनन नाज़रीन, यही हमारे हीरोज़ हैं, यही हमारे मुल्क की पहचान है, तो यकीनन हमें इन्हें सपोर्ट करने की अशद ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे हीरोज़ को, ऐसे टैलेंट को प्रमोट करें जो वाकई में हकीकी तौर पे अपने मुल्क का नाम रोशन करने में पीछे नहीं है, इवन अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। मोहम्मद शुएब खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप रिंग में उतरते हैं, यकीनन बॉक्सिंग ख़तरनाक खेल इसको हम कहते हैं, आप कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई सीरियस आपको इंजरी हो सकती है, तो आपको डर नहीं आता कि मैं यहाँ मेरे अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकता हूँ? बिल्कुल जी मैडम, जैसे कि भाई ने अभी जिक्र कर रहा था कि मतलब हम लोग मुल्क के लिए, हम लोग जब मुल्क के झंडे को, फ्लैग को सोचते हैं तो उसके लिए हम लोग मतलब किसी हद तक भी, किसी मुश्किल तक भी हम लोग मतलब उसको पार करते हैं। और हम लोग मतलब यही चाहते हैं कि अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल में इज्जत दें और अपना परचम जो मतलब दुनिया भर में ले रहे हैं, जैसे कि मतलब आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे, इसी तरह हम लोग मतलब फाइट जब करते हैं, फाइट से पहले
हम लोग पैड से पहले मतलब पैड के सोचते हैं कि हम लोगों ने इस लेवल पे इस तरीके से पैड खेलना है। ठीक है, जब फिर हम लोग रिंग में चढ़ जाते हैं, रिंग में जब पैड स्टार्ट होती है तो पहले राउंड में हम लोगों को मतलब वो पता चल जाता है, मतलब हम लोगों को एक मतलब ऑप्शन आ जाता है मेरा माइंड में, बाकी बॉक्सर्स के माइंड में, इसी तरह मतलब तमाम प्लेयर्स के माइंड में एक ऑप्शन आ जाता है कि ये गेम जो आपने सोचा था वो उसी तरह नहीं हो रहे हैं। एक आधा बॉक्सर के मतलब वो उसी तरह गेम खेल पाता है, मतलब उसके जो अपोनेंट वो उसके साथ मतलब उसी तरह चलते हैं। एक आधा बॉक्सर ऐसा होता है जिसने मतलब एक ऐसा सोचा होगा मतलब अपोनेंट बहुत ऐसी है, मगर वो रिंग में मतलब उसको स्ट्रॉन्ग टेन देते हैं, फर्स्ट राउंड में मतलब उसको मतलब कभी पंचेज लग जाते हैं, फिर उसको कोचेज जो है मतलब समझाते हैं कि आप इस तरह ना करो जी, मतलब कोचेज का भी अहम किरदार होती है फाइट में जी। हाँ, वो जो रिंग से नीचे बैठ के मतलब बिल्कुल रिलैक्स देखते हैं, बॉक्सर जी वो पंच खाते हैं मतलब वो प्रेशर में होते हैं, सारे क्राउड मतलब सारे शेकिंग की आवाज़ों से मतलब वो बिल्कुल मतलब प्रेशर पे आ जाते हैं, अपना गेम भूल जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं मतलब शेकिंग को खुश करूं, ये लोग जब आवाज़ें लगा रहे तो मैं क्यों पंच नहीं मार सकता हूं। हम लोग जब पंच मारने की कोशिश करते हैं तो अगला जो अपोनेंट होता है वो बिल्कुल रिलैक्स दिमाग से मतलब खेल रहा होता है, उसको पता होता है कि मतलब मैं इससे ऊपर खेल रहा हूँ इस वक्त, मैं पॉइंट के साथ, यानी अपनी ओवर एक्साइटेड नहीं होना जी, हाँ बिल्कुल जी, सबर के साथ अपने ट्रेनिंग पे भरोसा करके, सबसे पहले मेन चीज़ जो ट्रेनिंग होती है, मतलब अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो अपने ऊपर एक इंसान के इतमाद होते हैं। तो बात फिर आएगी आप लोगों की तरह मतलब मैडम आप लोगों ने स्पॉन्सरशिप के हवाले से जो बात की, इस लेवल पे भी अगर देखा जाए मतलब हमारा जो पाकिस्तान का कौमी खेल था हॉकी वो बिल्कुल आज खत्म हो गया है। फुटबॉल में तो हम लोग मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएं, हम लोग इधर ही अपने कंट्री में मतलब लूजर हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मतलब जितना सपोर्ट कर रही है, हमारे जो पाकिस्तान का हालात है, हमारे पाकिस्तान के जो इस वक्त मतलब हालात चल रहे हैं, इस हद तक अगर देखा जाए तो ठीक है। मेरे साथ मतलब इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया, जैसे मैंने आपको कहा कि डीजी साहब, डीजी इब्रार साहब जो है और डिप्टी डीजी शाहिद इस्लाम साहब ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। इनके अलावा जो मतलब प्राइवेट कंपनीज हैं, जो मतलब बड़े बड़े कंपनियां हैं, इनको चाहिए मतलब कि ये लोग मतलब स्पॉन्सर करें। ये लोग सबसे पहले यही ऑप्शन देखते हैं कि इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसे जो मतलब मुल्क से मोहब्बत कर दे, जो अपने मतलब मुल्क के लिए मतलब कोई जज्बा रखते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखे पिछले दिनों, आई थिंक ये बॉक्सिंग की यहाँ पे वो एक गेम चल रही थी, दो तीन दिन का आई थिंक इवेंट था मुल्तान साइड पे, इंटरनेशनल बॉक्सर्स जो है वो आए हुए थे, हम उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, हम हमारे जो हीरोज हैं जिस तरह आप हैं और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं उनको स्पॉन्सर करते हुए या उनको आगे उनको मोटिवेट करते हुए या उनको आगे मीडिया के सामने उनको उजागर करते हुए हम क्यों कतराना शुरू कर देते हैं? क्या हमें हमारे नौजवानों के ऊपर भरोसा नहीं है? बिल्कुल इसी तरह बात मैडम जो आपने बात की, नौजवानों के ऊपर तो भरोसा होती है, असल में स्पॉन्सर के लिए भी मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए मतलब इन लोगों को, मतलब ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, अल्लाह पाक माफ करे मैडम, ये लोग जब किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो लाइक ये लोग सबसे पहले उस पे एक एहसान करते हैं जो प्राइवेट कंपनी होती है। हार जीत ये तो जिंदगी का हिस्सा है, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं जहां बढ़ चढ़ के लोग उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, 100% तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीत के आते हैं, बिल्कुल तो ये जीत हार तो ये तो हर जीत गेम का हिस्सा है, जैसे हम लोग जीत के आते हैं तो ये लोग हमारे जीत पे खुश होते हैं, जो हमारे सामने एक लूजर है वो भी एक स्पॉन्सर किया हुआ आता है। जब भी जिस टाइम भी मैंने मैडम इंटरनेशनल लेवल पे खेला हूँ मैं, जिस कंट्री में मैं जाता हूँ, तो जो बड़े लेवल के मतलब बॉक्सर होते हैं या बड़े लेवल के जो मतलब स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जरूर मतलब स्पॉन्सर हुए होते हैं वहाँ उस मकान तक। जी सबसे पहले जब आपने कहा कि मतलब फैमिली का सपोर्ट लाजमी है, खाना पीना भी स्पॉन्सर होते हैं, फैमिली का सपोर्ट इसलिए लाजमी है क्योंकि आपका स्टार्ट जो है मतलब वो फैमिली से होती है, स्टार्ट में अगर आपको फैमिली मतलब सपोर्ट करेगी तो आपको नेशनल लेवल तक लाएगा, गवर्नमेंट के हवाले करेगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, तब तक आपको सपोर्ट करेगा जब तक मतलब आप एक इंटरनेशनल में मेडल लाते हैं, बिल्कुल अगर आप मेडल नहीं लाओगे गवर्नमेंट भी आपको मतलब प्राइवेट कंपनी। आगे भी बात करेंगे, ब्रेक की जाने पड़ने, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपकी बात को हम कंप्लीट करेंगे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक नाज़रीन, कौमी हीरोज़ की जब बात करते हैं जहन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं
यकीनन अपना नाम रोशन करना एक अलग बात है, लेकिन जब आप अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप परफॉर्म करते हैं, यकीनन खासा मुश्किल होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं मुश्किल होता है, बेशुमार मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो आपके शामिल होते हैं, आपकी लगन, आपकी मेहनत जो है वो शामिल होते हैं, आपका वक्त उसको उसमें दरकार होता है। तो यकीनन कौमी हीरो बनना कोई इतना आसान नहीं, उनके ज़िंदगी की अगर जब जैसे आप हमारे जो इस वक्त हमारे साथ हमारे कौमी हीरोज़ मौजूद हैं, आप इनकी स्टोरीज़ जो है वो सुन रहे हैं, इनको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, ये कैसे इन्होंने मुश्किलात का सामना करते हुए खुद को यहाँ तक पहुँचाया, आप यकीनन ज़िंदगी है इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को नाज़रीन हम सब अगर मिलकर सोचें उसका हल निकालें तो उन प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। तो इसी में हमने सोचना है कि कौमी जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं उनको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनकी मुश्किलात का हल किस तरह से निकाला जा सकता है ताकि अपने मुल्क का नाम वो इसी तरह से रोशन करते रहें। जी शुएब साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए कि फैमिली की सपोर्ट इसमें कितने ज़रूरी है। जी हाँ मैडम, मैंने आपको कहा कि मतलब वर्ल्ड स्पोर्ट्स आज गेम में जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट की जो सपोर्ट है वो सबसे पहले जो है मतलब फैमिली की तरफ से अहम होती है, फैमिली का जो हौसला अफजाई होती है ये भी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। जी हाँ, फैमिली मतलब अगर आपके खिदमत कर रहा हो ये भी सबसे बड़ी सपोर्ट है, मतलब उस लेवल तक उस मकाम तक मतलब जिस लेवल पे मतलब आपको पहुंचना चाहिए, मतलब आप नेशनल हीरो बन जाते हो उसके बाद मतलब आगे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर आपको सपोर्ट करें इंशाल्लाह तो आप पाकिस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में पूरे एशिया में मतलब रोशन कर सकते हैं। तो इस दफ़ा जो मुझसे मतलब प्राइवेट कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप किया मैं MPCHS का बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिसका प्रेसिडेंट आपको प्राइवेट कंपनीज ने स्पॉन्सर किया। इस दफ़ा मुझे प्राइवेट कंपनियों ने भी सपोर्ट किया गवर्नमेंट के अलावा। तो MPCHS का जो प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम राव साहब का और जनरल सेक्रेटरी चौधरी नजीम सरवर साहब, इसी तरह फायर डील मार्केटिंग जो है उसके जो चौधरी हैं चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुलरऊफ साहब, CEO साकिब अंजुम साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये लोग इंशाल्लाह अगर इसी तरह मतलब हर स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। जी हाँ, सिर्फ स्पॉन्सरशिप की कमी होती है हर प्लेयर के साथ। हीरो को पहचानना है कि इस बंदे में लगन है, ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, उसको पॉलिश किया जाए। टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे लाइक मैडम मैंने अभी आपको एक जिक्र किया, मैंने कहा कि मतलब ये लोग जो है क्रिकेट को इस हद तक सपोर्ट करते हैं, इस लेवल तक सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जो 36 गेम्स हैं, 36 गेम्स में जो इन लोगों को मतलब या मतलब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से फंड आते हैं स्पोर्ट के लिए या कोई सारा मतलब प्लेयर्स के लिए, ये लोग अगर कोई स्पॉन्सरशिप के लिए कैंप के लिए मतलब फंड भेजते हैं, ये लोग सारे जो फंड है मेरे ख्याल से वो क्रिकेट को दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला है फेडरेशन की तरफ से, किसी को भी कुछ नहीं मिला मेरे ख्याल से। मेरा गिला नहीं, कुछ तमाम गेम्स को ये गिला होगा और क्रिकेट में एक अच्छा विकेट लेकर या एक अच्छा चक्का मार के यकीन करो उनको लाखों रुपये मिल जाते हैं। जी जी जरूर। नहीं नहीं हमारी खेल और क्रिकेट में बहुत फर्क है, हीरोज तो वो भी है, हम ये मानते हैं पाकिस्तान के लिए वो खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए नाम कमाते हैं, लेकिन हीरोज हीरोज में फर्क होते हैं। क्या बात। लेकिन हम और अभी शुएब भाई ने कहा कि जो हम अपनी जान को हथेली में लेके जाते हैं ये शोभा अलग है, वो हीरोज अलग हैं जो सिटी में बैठ के एक शेड में ग्राउंड के अंदर खेलना और चुके लगाते हैं तो उनको करोड़ों से नवाजते हैं। यही बात। हम तो केटू और जो अपनी जान की बाजी लगाता है। जी जी, हमें हर एक कदम अपना मौत नजर आता है, वहाँ पे हम इतने ऊपर छक्के मारते हैं, पीक सिमट करते हैं, तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है, उनको तो एक छक्के में करोड़ों नवाजते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट बैटिंग लग रही होती है ना, जिस तरह वो जुआ, जिस तरह आप ये कह लें कि बैठे बैटिंग लगा रहे हैं कि अच्छा देखते हैं कौन जीतते हैं, भाई आप जो जान की बाजी हार रहे, जो उसके हर एक कदम पे मौत है, उसे नहीं पता कि वो अगले सेकंड में कहाँ होगा, तो आप उसे स्पॉन्सर क्यों नहीं करते, क्यों प्रमोट नहीं करते? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील यही है कि एक बार ये माउंटेनियरिंग और बॉक्सिंग के शोबे में भी आप लोग नजरसानी करें और इनको हौसला अफजाई करें, बहुत फायदा इसमें हो सकता है मुल्क को। जी जी बिल्कुल। यह सब इसमें आपसे जानना चाहेंगे टूरिज्म के हवाले से, देखें न सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जो बाहर ममालिक से लोग आते हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, यकीनन एक जो हम सोशल मीडिया पे देखें जो पिक्चर्स हमने लगाई होती है बहुत ही खूबसूरत, हमारा मुल्क उस तरह खूबसूरत है, हमारे टूरिस्ट पॉइंट नो डाउट उस तरह के खूबसूरत हैं भी, लेकिन वो जो लोग सोच कर आते हैं कि ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी होगी, लेकिन जो एक चीज़ जो मुझे अब अपने आप में हम सब में नज़र आती है, ये जगह डस्टबिन लगी हुई है, खूबसूरत पॉइंट है, हम कुछ खा पी रहे हैं हम उस डस्टबिन में नहीं डालते, हम
जो है इर्द गिर्द फेंकना शुरू कर देते, उस जगह को साफ नहीं रखते, जबकि हमारे इस्लाम ने भी जो हमें फॉलो करना चाहिए कि सफाई निसफ ईमान है, तो हम हमारे उस ईमान को ही कम्प्लीट नहीं करते, तो वो बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उन पर क्या असर पड़ता होगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो बात की आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट की, मैं ये समझता हूँ कि कुछ 9/11 के बाद से फिर डोमेस्टिक टूरिज्म का फ्लो बढ़ा हुआ, इंटरनेशनल टूरिस्ट का फ्लो कम हो गया। जब से इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा था तो वो एरिया साफ सुथरे थे, दे आर द सिविलाइज, कि उनको पता है कि आपने कहाँ गंदगी करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना। जब से हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट आया, वो जो टूरिस्ट पॉइंट हमारे हैं, बहुत सारी जो लेक्स हैं या प्लेटोज हैं या डेजर्ट्स हैं, उन लोगों पे लोगों ने हमारे जाके वहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट ने स्पेशली सारी टू से उन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं करके वहाँ पे वो फेंक देते हैं, पानी की बोतल लेके जाते हैं और जब खाली हो जाती है तो वो देखते हैं, शीशा खोल के पीछे फेंक देते हैं, और इसी तरह लेस लेके जाते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, वहाँ पर फेंक देते हैं। मेरी क्या ही बात हो, ठीक है आपने खा लिया, आपके पास बैग मौजूद है, आप वो अपने बैग में रख लिए, कहीं डस्टबिन नजर आए, इवन मैं डस्टबिन नजर आए तो दूर वहाँ डस्टबिन पड़ी होती है। मैं भाई आपको बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल जब टूरिस्ट आता है वो अगर गाड़ी में बैठ के कुछ चीज खा रहा है तो उसने शॉपर एक रखा तो वो सारी की चीजें उसमें डाल के और जो पॉइंट आता है वो उठा के उस बास्केट में डाल देता है। हमारे लोग क्या करते हैं कि बस वो शीशा नीचे किया और बाहर फेंक दिया, तो ये बहुत बड़ा अहमिया है। इसकी वजह से हमारा एरिया जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर है, खूबसूरत एरिया है, स्पेशली जीबी के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पे ये गंदगी के पहाड़ बनते जा रहे हैं। अभी वहाँ पे हमने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, स्पेशली जो लोकल्स टूरिस्ट पॉइंट के पास जो गांवों हैं या जो रहते हैं उन लोगों का, यार ये जगह साफ रहेगी तो टूरिस्ट अगेन आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी तरह हमने अवेयरनेस दी है अपने जीप ड्राइवर्स को भी कि यार आप लोग टूरिस्ट इसलिए इस जगह पे आ रहे हैं कि ये जगह साफ सुथरी है, अगर यहाँ गन होगा तो टूरिस्ट आपके पास नहीं आएगा, तो यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। बाकी जगहों में और टूरिज्म पॉइंट में क्या फर्क रहेगा, क्या फर्क रह जाएगा, तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है। और मेरी उन टूरिस्ट गुजारिश भी है कि आप उस एरिया में आए, खुदारा कि आप जब खा पी के जाते हैं या चीजें लेके जाते हैं वो खाली चीजें लेके, देखिए दोबारा भी तो आपने उस जगह पे आना है ना, सिर्फ एक दफा विजिट थोड़ी है आपका। ये इस तरह का एक सानिया मेरे साथ भी हुआ, मैं हम दो साइड प्लेटो पे थे, इतफाक से मैं खुद गाड़ी में था, तो एक हमारे साथ फैमिली थी, उसने उठा के शॉपर को बाहर फेंक दिया, तो मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने उठाया तो मैंने कहा आपको नहीं पता ये क्या किया, आप क्यों हैं यहाँ पे दो साइड प्लेटो पे, तो उसने कहा जी साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, ये वो सारी चीजें, तो मैंने कहा आप खुद गंदी कर रही हैं, जो आपकी बच्ची बड़ी होगी या आपका बेटा बड़ा होगा तो वो क्या यहाँ पे लेके जाएगा, वो क्या सीख रहे हैं कि इसी तरह रास्ते में फेंक देना चाहिए, जो खाओ पियो वहीं पे फेंक दे और आने वाले प्लास्टिक जो आपको पता है 100 साल में भी नहीं निकलता है, तो फिर उनको दिए तो उनको एहसास हुआ कि नहीं गलत। तो हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपना एक रोल अदा करे, और उन टूरिस्ट से गुजारिश है कि आप उस एरिया में आए, उस जगह को एंजॉय करें लेकिन साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखें। अब सब कोप एमआई के हवाले से ये जानना चाहेंगे कि मौसम का कितना इम्पैक्ट है, मौसम का कितना इसमें असर है कि किस मौसम में हमें कोप एमआई की तरफ जाना चाहिए। असल जो गिलगित बल्तिस्तान में जो मौसम है, ये जो माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, ये जून जुलाई अगस्त ये तीन जो मौसम है ये पीक मौसम है, ठीक है, तो इन मौसम में आपने जो भी हम जाते हैं सीमेंट के लिए एक्सपीडिशन में तो इन मौसम में हम पीक सीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आपने पिछले साल 2021 में आपने देखा है कि विंटर में जब नेपालियों ने K2 सीमेंट किया उस टाइम हमारे गाँव से मोहम्मद अली सतपारा ने विंटर में सीमेंट करने की कोशिश की तो उसमें नाकाम रहे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वहाँ उनकी एक्सीडेंट हो गई, तो पहली मर्तबा ये पाकिस्तान से गए थे, तो अब तक विंटर में कोई ऐसा एक्सपीडिशन नहीं आया, अच्छा। लेकिन अक्सर अमूमन समर में ही होता है, जून जुलाई अगस्त ये विंटर में अवॉइड करते हैं लोग, खतरनाक हो सकता है। अच्छा इसमें ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि जब आप चोटी सर करने के लिए जब आप चढ़ाई करते हैं चढ़ते हैं वो टाइम मुश्किल होता है या जब आप वापस उतर रहे होते हैं? मुश्किल तो मैडम दोनों होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन मुश्किल लेकिन ज्यादा मुश्किल क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि जब वापसी है ज्यादा अमवात उस वक्त सुनने में आई है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, वापसी में ज्यादातर एक्सीडेंट होने का चांस होता है, क्योंकि हम जाते वक्त तो हमारी एनर्जी पूरा होता है, एक तो हमने अपना जो प्यारा परचम लेके जाना है, एग्जैक्टली जुनून के जल्दी से पहुंचो और वहां पे परचम ले रहा हूं। बाकी हमारे साथ और भी फॉरेनर्स होते हैं तो हम अपने अपने मुल्क के झंडे को सबसे पहला लहराने की कोशिश करते हैं, तो वो एक रेस में एक जज्बा होता है कि सबसे पहले मैं पहुंचूं, जुनून के साथ जज्बे के साथ हम आगे
जाते हैं, लेकिन वापसी में जब आप सबमिट करने के बाद आपकी एनर्जी लूज होती है, डाउन हो जाती है, उसके बाद आप बड़ा मतलब बड़े मुश्किल हालात में आप आ रहे होते हैं नीचे। उस टाइम ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी टाइम पे ही होता है। अच्छा। तो क्रेविसिस में जाने का या वो नींद आने का भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि हम पूरा पूरा दो दो तीन तीन दिन हम नींद सो के हम रातों को भी हम चलते हुए बैठते हैं। ओ, 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 तो इसमें ज़्यादातर मसला आ जाता है वापसी में। यहाँ पे नॉर्मली हम अगर देखें तो एक दिन नींद पूरी ना हो तो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, मुसलसल तीन दिन आपने एक ऐसे टेम्परेचर में सर्वाइव आप करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम किट की बात करें वो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं किस तरह की यूज़ होती है, और यकीनन वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव भी है। एक माउंटेनियर की जो किट होती है क्लाइंबर की, हाँ, कम से कम 35-40 लाख की। अच्छा। ये अगर कि ये नेपाल से हम ले लें तो इतने की हमें पड़ जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो माउंटेनियर्स हैं वो आज तक कोई नई चीज़ें उन्होंने आज तक नहीं ली। जो भी फॉरेनर्स आते हैं वो लेके आते हैं अपनी चीज़ें, वो यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद फिर हमारे पाकिस्तानी क्लाइंबर्स वो गिफ्ट देते हैं। इस पे अभी से मज़ीद बात करते ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद आपसे हम ये किट के हवाले से जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ और उनकी ज़िंदगी के हवाले से। ऐसे दो हीरोज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो जान की बाजी लगाते हुए उससे बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं कतराए, बल्कि एक जुनून, एक जज्बे, एक हिम्मत के साथ अपने मुल्क का उन्होंने नाम रोशन किया है। तो उन्हीं के ये जो जर्नी है, ये जो स्ट्रगल है, उस बारे में हम जान रहे हैं। जी अभी सब आपसे हम जान रहे थे ये कोपेमाई के लिए जो किट का इस्तेमाल होता है वो आप हमें बता रहे थे। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आज से 25-30 साल आप पीछे चले जाएं तो मेरे वालिद साहब जो कोपेमाई करते थे माउंटेनियरिंग, तो उस दौर में तो ये जो हमारे पास जो किट आजकल जो है वो किट तो नहीं थी। मेरा वालिद साहब ने तो चमड़े के बूट से केटू को सर किए। अच्छा। मेरा वालिद साहब ने नंगा पर्वत चमड़े के बूट से किए। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, एवरेस्ट शूज आए हुए हैं, वो आप मतलब जितना भी आपको सर्दी लगे उसमें फास्ट बाइट होने का मसला नहीं है। सही है। तो किट इस वक्त जो आपने कहा कि किट एक्सपेंसेस कितना आ जाता है, तो इसमें इस वक्त जो किट है 35-40 लाख का की ये किट मिल जाता है। तकरीबन ये हमारे पाकिस्तानियों के पास ये किट किसी के पास इस वक्त नहीं है। यानी हमारे पाकिस्तानी जो क्लाइंबर्स हैं उनके पास है तो भी किसी का यूज़ किया हुआ चीज़ें उनके पास हैं। अच्छा। प्रॉपर तरीके से कोई भी किट इस वक्त पाकिस्तानी माउंटेनियर्स किसी के पास, अगर स्पॉन्सरशिप होती, लोग जिस तरह क्रिकेट को स्पॉन्सर करते तो यकीनन आप परचेज कर सकते थे, आपको स्पॉन्सर हो सकती थी कि हमारे कोपेमा जो है वो अपने किट का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। हाँ। जी बिल्कुल। तो इसके लिए फिर यही है, जितने भी गवर्नमेंट वो हैं, गवर्नमेंट है उसके अलावा जो भी हमारे इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये माउंटेनियरिंग फील्ड में आप थोड़ा तवज्जो दें। ये इंटरनेशनल एक हमारा खेल बनने जा रहा है। जब फॉरनर जब आके हमारे पाकिस्तान के अंदर आके हमारी पीकों को सर करके जाते हैं, तो हम परचम लहरा के जाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपना परचम को सब बुलंदी रखें। एग्जैक्टली। तो वही अपील मैं फिर से करना चाह रहा हूँ कि जो भी इदारे हैं इनको स्पॉन्सर करनी की बिल्कुल बस तवज्जो की जो है वो ज़रूरत है। मोहम्मद शुएब खान साहब, आप जो कि इसी सेगमेंट में हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को कुछ टिप्स जो हैं वो बताएं, ख़ासकर उन नौजवानों को। और ये भी बात करना चाहूँगी कि ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको कुछ ऐसे टिप्स दें कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। जी हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त जो मतलब हमारे ख्वातीन हैं
वो पहले तो मतलब वो घरों से नहीं निकल सकती, उनको इजाज़त नहीं मिलती है कि मतलब आप घरों से मतलब बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक पर्दे के मतलब वो होता है। ऐसे ही है। हाँ, इसी तरह के मतलब अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बाकायदा एक कोचेस का टीम बन जाए, फीमेल के जो कोचेज हैं मतलब वो फीमेल को ट्रेनिंग दिया करें, उनमें की जो ट्रेनिंग है वो कोचेज है वो मेल को ट्रेनिंग दिया करें, तो इस तरह के क्लब मतलब बन जाएँ। ऐसे ही और है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अभी सर मैडम हर मरकज़ में हर जगह में जो है एक एक क्लब ओपन हुआ है, उस कोच के साथ कोई मतलब इस तरह का प्रूफ नहीं होता है कि मैं कोच बनाऊँ। आपने मतलब एक कारोबार के बिजनेस के तौर पे ऐसे मतलब ही है। क्लब खोल दें हैं, हाँ अगर वो 2 महीने 3 महीने मतलब कमाते हैं, चौथे महीने पे अगर उसको फीस कुछ कम मिल जाए तो वो क्लब को ख़त्म कर दें, क्योंकि ओहो वो लोग जो टैलेंट का नहीं सोचते, वो लोग पाकिस्तान का नहीं सोचते, वो अपने बिजनेस का सोचते अपना हैं। बिल्कुल या ये तो बात है। गवर्नमेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के कोचेज जो मतलब मायूस होकर मतलब क्लब छोड़ दें, इस तरह के कोचेज को अपने गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कोई तरह का तनख्वाह लगा दे, कोई तरह का सैलरी दिया जाए, ताकि वो लोग वो क्लब जारी रखें और बच्चों के साथ मतलब टैलेंट के साथ मतलब ये लोग मेहनत करें। इसी तरह मैं तो आज काफ़ी यकीन करो मेरे लिए खुशी की बात है, वो ईयर ऑफ द डे मतलब मेरा जो मतलब इस साल का जो बेस्ट ऐसे दिन ही है इंशाल्लाह वो हाँ यही होगा कि मैं अपने पाकिस्तान के हीरो के साथ आज न्यूज़ में बैठा हूँ। जबरदस्त। ये मैं आप लोगों का बेहद मशहूर है कि आपने मुझे इसके साथ बैठने का हम मौका दिया आपका है। शुक्रिया अदा जी करते हाँ, हैं कि मैं आप पाकिस्तान लोगों ने हमें गवर्नमेंट से ज्वाइन किया। ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो इस तरह के हीरो पे फख्र कर रहा था, कभी इंटरनेशनल जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग अगर बॉक्सिंग में मतलब उसके साथ पीछे आ जाते हैं, किसी और गेम में हम लोग पीछे आ जाते हैं, तो हम लोग इन हीरो को मतलब परंट मिलाते हैं ऐसे कि है। हमारे माशाल्लाह इस गेम में भी इस तरह के हीरो हैं। यही तो मैं बात पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है। हूँ कि मेरे समेत तमाम स्पोर्ट्समैन को जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाँ जो मुल्क के लिए कोई मतलब उसके दिल में जज्बा है, माइंड में जज्बा है, तो उसको सपोर्ट करें। इस तरह के जो हीरोज़ मतलब जिनके दिल में आज भी मतलब ये हौसला ये मतलब वो है कि मतलब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बिल्कुल और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लोग करेंगे। तो ये लोग एग्जैक्टली अगर मतलब इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट इंशाल्लाह इनको सपोर्ट करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लोग पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, इंशाल्लाह और आप लोगों के तवसुत से आप लोगों की सरपरस्ती हम लोगों के ये पैगाम इंशाल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुँच जाएगा। ज़रूर आप लोगों के ज़रूर। मैं बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इज्जत दिया और यहाँ पे हम लोगों को बैठने का मौका दिया, आप लोगों का बेहद माय मशहूर हूँ मैं। प्लेयर हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे कि अगर वो बॉक्सिंग की तरफ आ रहे हैं, रिंग में जा रहे हैं, तो किन एहतियाती तदबीरों को अपनाएं वो? जी हाँ मैडम, बॉक्सिंग की तरफ तो मतलब एक ऐसा गेम है, मैंने आपको कहा था जैसे कि हमारे भाई का जो गेम है, इस गेम में सबसे पहले जब लोग आते हैं तो बहुत मतलब सोचते हैं कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि बॉक्सिंग जो बहुत डेंजरस गेम है, ये जब आप ज़्यादा टाइम खेलते हैं तो 35 साल 40 साल के बाद आप पागल भी हो जाते हो, मतलब माइंडली आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि सर भी मुके कहते हैं। जी हाँ, बहुत अल्लाह डेंजरस होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें तो नाक का हड्डिया भी निकालना पड़ती है, ये करने ओहो पड़ते वो करने पड़े। हाँ मैं खुद जब मतलब फाइट के बाद घर आता था तो हाँ वालदेन का दिल, आपको पता है मतलब वालदेन के बिल्कुल, लिए वो तो सबसे कभी बड़ा, नहीं जी हाँ, चाहेंगे कि बड़ा उनके सरमाया बच्चा जो इस मतलब तरह औलाद होती मुश्किल है, हालात से गुजरे। तो वालदेन का दिल थे वो लोग, जब मुझे जख्मी हालात में देखते थे वो कहते थे कि शायद मुझे इस गेम से इनकार है, मैं नहीं कि आपको सपोर्ट करूँगी। अम्मी भी कहती थी, वालिद साहब भी कहता था कि शायद जब मैं ट्रेनिंग से थका हुआ था तो ये कहता था वालिद साहब कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैंने कहा अबू आप मेरा एनर्जी और भी मतलब ऊपर कर रहे हो, मुझे और भी मतलब आप जज्बे मिला रहे हो। मैं आपको इंशाल्लाह एक दिन दिखाऊंगा कि आप मेरे पास एयरपोर्ट में आओगे, मुझे इंशाल्लाह आप मेरे बकायदा मतलब एक वो करोगे, इस्तकबाल करोगे। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइटल के बाद मेरे वालिद साहब मेरे पास आया था, उसके बाद जी हाँ मुझे फ़ख्र, मुझे प्राउड महसूस हुआ, मेरे वालिद साहब खुद मुझ पर प्राउड महसूस कर रहा था, क्या फ़ख्र महसूस बात कर है। रहा था। इनके अलावा जो हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, राजा इमरान अशरफ साहब, इनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत थैंक यू सपोर्ट किया सो और मेरे मच। लिए वहाँ पे आए थे, एक लाइक कौमी हीरो की तरह इन्होंने मुझे सपोर्ट बिल्कुल, किया। ये आप हमारा फ़ख्र हैं, कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया थैंक यू मोहम्मद सो शरीफ खान मच, साहब, आपने थैंक हमें यू। ज्वाइन किया, आपकी जो स्ट्रगल जो जर्नी थी वो हमारे साथ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इसी तरह आपको मज़ीद तरक्की दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन अपने बाकी मेहमानों से मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद।
राजीन, आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरोज से आपको मिलवाया, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर करते हैं, किन मुश्किलात का उन्हें सामना आता है इस जर्नी के अंदर, और कैसे वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखते हैं, वो हम तमाम तर चीज़ें उनसे जान रहे और आप लोगों को बता रहे हैं। और ऐसे जब लोगों की बात आती है जो वाकई में जिनके अंदर लगन है, कुछ कर गुजरने की जज्बा रखते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को, इस मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, तो यकीनन ऐसे लोगों की जब उनको स्पॉन्सर करने की बात है, उनको प्रमोट करने की बात है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग कामयाब होंगे, ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन होगा तो यकीनन आप लोग भी कामयाब होंगे। तो इसी सोच को हमने बदलना है। यह सब कैसे हम हमारे लोगों की सोच को बदलें कि इन हीरोज़ को हम स्पॉन्सर करें, इन हीरोज़ की मुश्किलात को जानें, इन हीरोज़ को प्रमोट करें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात करूँ, बड़े अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ती है कि वो लोग जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो लोग जिनकी कोई स्ट्रगल नहीं है, रातों रात वो हीरो बन जाते हैं। और कैसे हीरो बन जाते हैं? और ये हीरोज़ जो जान की बाजी लगाते हैं, जिनके बच्चे ये कहते हैं कि हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप कब वापस आएंगे, और ये भी नहीं पता कि क्या वो ज़िंदा वापस लौटेंगे, तो ये हमारे इसमें बहुत अहम जिम्मेदारी आती है। हम ये अपनी सोच को कब बदलेंगे? इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन हीरोज़ के लाइफ स्टाइल देखें, जो मैं बात करूँगा मोस्टली इन जी वी के, क्योंकि माउंटेनियर्स ज़्यादातर वहीं के हैं, तो अगर आप उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनका रहन सहन देखें, तो हमें रोना आता है। और मैं हर फर्म में बात करता हूँ, ये लोग स्पॉन्सर्स की कहते हैं, मैं उनका स्पॉन्सर कोई गली या मोहल्ले में आपको लेके नहीं देगा, उसके लिए प्रॉपर आपको एक प्रपोजल बनानी पड़ेगी, उनके पीछे जाना पड़ेगा। जो मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए, रोज़गार, क्योंकि ये जब क्लाइंबिंग करते हैं तो ये टाइम पीरियड इनका मई से लेकर अब अगस्त तक, आप कर लें 3 से 4 महीने ये बिजी होते हैं, फिर आफ्टर ये शुरू में भी मार्च में भी फारिग होते हैं, और ये अक्टूबर से लेकर फरवरी और मई जून तक फारिग होते हैं। तो मैं हर फर्म में ये कहता हूँ कि इनको ऑन करें हर डिपार्टमेंट, जिस तरह हमारा आर्मी है, जिस तरह हमारे उस एरिया में PWD है, पुलिस है, या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अगर आप इन लोगों को हायर करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज होगी, इनको रोज़गार मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर स्किल थोड़ा ज़्यादा वो होगा, और वो वहाँ पे उस इदारे का नाम भी मशहूर करेंगे, उनका नाम होगा और मुल्क का नाम भी होगा। दूसरा जो आपने बात की सोशल मीडिया, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी हम रातों रात देखते हैं, और हमारे उस पहाड़ों पे लोग आते हैं जीबी में और बड़ी एक खूबसूरत कलरफुल जैकेट पहनते हैं, और वो खड़े होकर तस्वीर एक बनाते हैं कि जी आई एम द नंबर वन, आई एम द फर्स्ट फीमेल, आई एम फर्स्ट मैन, फलाना ढमकाना। खुदा रहा, आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें। और उसमें मैं अपनी जीबी गवर्नमेंट का से गुजारिश भी करूँगा कि हम ऐसे लोगों को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करें, जो गलत बयानी करते हैं आके अपने सोशल मीडिया पे उस एरिया का नाम और अपने आप को एज ए माउंटेनियर, वट एवर जो भी अपने आप को कहलाते हैं, तो उन्हें हमें चेक बैलेंस करना चाहिए। जो राइट लोग हैं, जो गरीब, इन लोगों की वजह से जो हकदार हैं, जो राइट पर, उनका हक ना मारा जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब हमारे कुछ नए जो माउंटेनियर्स जो आ रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा अभी यंग जनरेशन जो है वो माउंटेनियर सोशल मीडिया यूज़ करना उन्होंने शुरू कर लिया, अब लोगों को पता चल रहा है। सही। अभी मैं 2 साल पहले जब मोहम्मद अली का सानिया हुआ, मैं किसी टेलीविजन में प्रोग्राम कर रहा था अली के बारे में, तो मुझसे पूछा, सवाल किया गया जी आप क्या कहते हैं, तो मैंने काफ़ी डिटेल इंटरव्यू दिया, और जब मैंने उनको बताया कि अली के बारे में इस टाइम आप माल रोड पे जाएं तो हर बंदा कहेगा कि हम मोहम्मद अली सरपारा को जानते हैं। लेकिन आप उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछें कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट की हैं, शायद वो किसी को नहीं पता होगा। तो इसी तरह हमारे जो बहुत सारे जो कोपहमा हैं, जो वहाँ बैठे हुए, उनकी एक्सेस नहीं है, वो या अफोर्ड नहीं कर सकते शहरों पे आना, तो मैं आपके चैनल्स को भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी उधर आएँ, एक सीजन करें उन अब हमारा जो एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं स्कर्दू में हूँ, तो हम उन माउंटेनियर्स को लाते हैं अपने पास, और उनको हम प्रीसेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, हार भी पहनाते हैं। और बहुत सारे मेरे लाइफ में देखे हैं कि जिनको हम बुलाते हैं माउंटेनियर्स को,
वो आ तो जाते हैं, जब हम स्टेज पे उनको बुलाते हैं कि आप आएं और थोड़ा सा बोलें, तो अब उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बाद शायद ये जो अल्फाज अदा हो रहे हैं ये मेरे को बुलाने के लिए हो रहे हैं, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा, के टू सबमिट करना इतना मुश्किल नहीं होता, ना कि स्टेज पे बोलना और कैमरे को फेस करना। अच्छा, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को हमने ट्रेनिंग देना शुरू की, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने शुरू किए। और एक मेरा दोस्त है हमारा अहम मुराद साहब, जिसने इस साल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया ऊपर के टू पे जाके, अपनी टी शर्ट्स डाउन जैकेट्स जो बातें हो रही थी सारी उतारी। जब उसको बुलाया गया तो वो, मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि वो इस तरह घबरा गया। ठीक है, ये बात कम्प्लीट करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद इस बात पे आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग आज का शो, यकीनन दिल नहीं चाह रहा कि ये वक्त ख़त्म हो, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है। जब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब कौमी हीरोज़ की बात करते हैं बहुत सारे सवाल माइंड में आते हैं, और ख़ुद से भी एक दिल करता है कि हम कौमी हीरोज़ में क्यों शुमार नहीं हो सकते, लेकिन ये सब के बस की यकीनन बात नहीं है। ये जज्बा हर किसी में नहीं होता, ये शर्फ जो है वो किसी किसी को हासिल होता है, लेकिन जिन लोगों को हासिल है हम क्यों ना उन्हें प्रमोट करते हुए उनके थ्रू अपना और इस मुल्क का नाम हम रोशन कर सकते हैं, उसकी उनकी इस कामयाबी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें जहाँ मुश्किलात का सामना है उसको हल करने में हम उनका साथ दे सकते हैं, तो यकीनन तो उनकी इस तरक्की में हम भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम कौमी हीरो बनने के उसमें फहरिस्त में नहीं आ सकते, तो कम से कम उनका साथ देने में, उनको मज़ीद आगे बढ़ाने में तो हम उनका डेफिनेटली साथ दे सकते हैं। यह सब एक स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ आप वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर हम जानेंगे आबिद साहब से मज़ीद। मैं ये बता रहा था कि सोशल मीडिया की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, क्योंकि हमारे लोग बड़े सादे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। कहने का मकसद, जब उनको हम स्टेज पर बुलाते थे कि उनके लिए क्लाइंबिंग करना अबव 8000 पे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना इस कैमरे को फेस करना और पब्लिक को फेस करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं क्लाइंबर्स, जो हम हीरोज़ की बात कर रहे हैं, गुमनाम हीरोज़ की, वो अब उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि अब वो स्टेज पे आते हैं। और मैं पहले भी जिक्र किया कि वो एक जब स्टेज पे बुलाया गया तो वो शर्मा के गेट से भाग गए, और मुझे खुशी हुई कि लास्ट इस साल के एंड में हमने उनको इस्लामाबाद मधु किया है, और मेरे साथ एक और टीवी प्रोग्राम में थे तो वो मुझसे ज़्यादा और कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बोल रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने उन हीरोज को जो अभी आपने जिक्र किया, वो तो अपने कारनामे उन्होंने दे दिए। और मुझे एक और कहानी याद आ रही, जिक्र आ रहा है, एक हमारे दोस्त ने K2 क्लाइम किया और कैंप 4 से मेरे को कॉल की कि मिस्टर शिगरी साहब हमने तो अपना कारनामा कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बारी है कि आप हमें किस तरह प्रमोट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्कर्दू आते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, हमारे मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, और हमारी जीबी जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे लोग हैं ना, इनको अगर उनकी हौसला अफजाई की जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए, ये और कुछ नहीं चाहते, जो इनको बेसिक जो नीड, जो मुश्किलात है वो इनकी हल कर दी जाए, ये उससे ज़्यादा के तलबगार नहीं होते, ये उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतना भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी क्लाइम करके आता है, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, इंटरनेशनल जो भी होता है, और हमारी एक्सेस हमारी जीबी गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह है, और हम अपने मिनिस्टर्स को, जो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम कॉल करते हैं शॉर्ट नोटिस पे, एक प्रोग्राम रखते हैं उसके अंदर वो आ जाते हैं, तो उनको हौसला अफजाई होती है। वो समझते हैं कि K2 से ज़्यादा हमें यहाँ पे हौसला अफजाई मिली, लोगों के बीच में बुलाया गया। मैं समझता हूँ कि हमें अपने हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक पावर दी है, एक सोर्सेस दी है, तो हमारी जो यही है कि हम इनको हाईलाइट करें और दुनिया के सामने उन हीरो को, मैं अक्सर ये अल्फाज कहता हूँ कि उन पहाड़ों से इन हीरो को
निकालना हमारा काम है, तराशना जो है वो गवर्नमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स के। जबरदस्त, के खूब कहा। अब इस सब कुछ ही मिनट्स हमारे पास है, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को वो एहतियाती तदाबीर बताएं, और इसमें ये भी मैं ज़रूर ऐड करवाना चाहूँगी कि जहाँ मर्द हज़रात की हम बात करते हैं वहाँ पर हमारी ख़वातीन भी पीछे नहीं है। समीना बेग साहिबा की बात करें जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी हैं जिन्होंने के टू सर अबूर की, तो उन ख़वातीन को, उन बहनों को और उन मर्द हज़रात को एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताएँ। माशाल्लाह से ये माउंटेनियरिंग फील्ड में समीना बेग और नैला कियानी भी इस फील्ड में है। माशाल्लाह से इस साल समीना बेग और नैला कियानी दोनों ने K2 समिट की, लेकिन पाकिस्तान के और भी माउंटेनियर्स फीमेल हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो आए। और सबसे मेन चीज़ इस फील्ड के लिए हौसले की ज़रूरत है, हौसले के साथ प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, टेक्निकल होना इस फील्ड के लिए लाजमी है। यानी हाउ नो हो आपको कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आपने कवर कैसे करना है। कवर कर तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि हौसला और टेक्निकल होना लाजमी है। यहाँ आप इंस्टीट्यूट स्कूल में आप सीखें, फिर आप लोग आए पीक पे। और सबसे मैं इम्पोर्टेंट जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी माउंटेनियर्स आते हैं, क्लाइंबर्स आते हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूं, वो जो पहाड़ हैं वो हमारे हैं, हमारे मुल्क की पहचान है। बिल्कुल ऐसे ही। वहाँ पे आप लोग प्लीज़ वहाँ पे आके आप लोग अपने जो कचरे हैं वहाँ पे ना फेंकें, जो भी चॉकलेट्स हो जो भी है खाएं जरूर, लेकिन वो खा जी, के वो कचरा ना फेंके। बेस्ट कैंप में जाते हैं तो वहाँ हमें सारे के सारे बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो भी माउंटेनियर्स क्लाइंबर्स हैं उनसे अपील करता हूँ कि पहाड़ हमारे हैं, हमारी पहचान। बिल्कुल, इस पहचान का हमने ख्याल रखने, बहुत शुक्रिया याशिगरी साहब आपका, बहुत शुक्रिया जी। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, 5 सेकंड। मैं ये कहूँगा कि पहाड़ हमारे पास हैं, यही कहीं नहीं जा रहे। खुदारा उस एरिया में आए, प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए, प्रॉपर सही उस हाउ को समझ के आए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का हमें वक्त देने का। नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही, यकीनन दिल नहीं चाह रहा था कि ये गुफ्तगू रुके, लेकिन चूंकि टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना और अपने बयानों का बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के पास।